यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सुबह सुबह मिशन यूपीएससी सीएससी के चैनल पे। एक फिर से नया करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इस सेशन को शेयर करिए जल्दी से एक बार और सभी लोग एक बार जुड़ जाइए ताकि हम सेशन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सके। हाँ, आई नो कि ठंड है थोड़ी सी, है ना, और जो है यहाँ पे थोड़ी सर्दी है, बट फिर भी शेयर करिए एक बार फटाफट से सेशन को, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही और 7 बजे इज ओके, 7 बजे आप उठ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, 4 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट किया है, गाइड किया है और उन्होंने यूपीएससी एग्जाम जो है दिया भी है, इस बार भी दे रहे हैं। एमएससी मैथमेटिक्स मेरा क्वालिफिकेशन है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एंकर भी हूं। अगर आप टेलीग्राम जो ग्रुप पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और गाइस ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहां पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे मेरी क्लासेस से रिलेटेड और मेरे नए जो सेशंस आते हैं, कोर्सेज आते हैं, उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गाइस तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स है ये 21 दिसंबर से आप लोगों के लिए शुरू हो गया है। ठीक है, सो 21 दिसंबर से ये कोर्स 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए शुरू हुआ है, जो कि बाइलिंगुअल होगा और वो भी इंडिया के बेस्ट लेवल एजुकेटर्स के साथ ये कोर्स आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख लीजिए इंडिया के टॉप यहाँ पे एजुकेटर्स हैं जो आपको एक सही दिशा दिखाने वाले हैं, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू रीच योर गोल। ठीक है, आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करनी है। ठीक है, तो किसी भी साल की आप तैयारी कर रहे हो, 2021, 22 या 23, आप लोग अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं और आप मेरे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। प्रिया 11 मेरा रेफरल कोड है गाइस, इस कोड को यूज करके आपको 10% डिस्काउंट जो है वो सारे कोर्सेज में मिलेगा, चाहे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूजीसी नेट, सीए, नीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन पे आपको काफी सारी बेनिफिट्स भी मिलेंगी और आपको एक सही दिशा मिलेगा आपके एग्जाम के प्रति। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और आज हम बात करने वाले हैं पीआईबी के एक छोटे से सेशन के बारे में, छोटे से सेगमेंट के बारे में, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वो एक सेटअप करने वाला है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया जाने वाला है, तो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और कितना इससे बेनिफिट होंगे इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दो यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों मंत्रालय ने मिलके डिसाइड किया है कि ये एक साथ मिलके काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, N stands for naturopathy, U stands for Yunani, S stands for Siddha and H stands for homeopathy। ठीक है, So, ये जो आयुष मंत्रालय है गाइज, इसका पर्पस है कि भारत में जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स है उनको, रिसर्च सेक्टर्स को और साथ साथ जो मेडिसिन सिस्टम्स है उनको स्वदेशी वैकल्पिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसका विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट इसको करवाना है। इसका मेन पर्पस यही है। ठीक है, कि इंडिया में जो मेडिसिनल सिस्टम है उसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए, उसको डेवलप करवाया जाए। ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आयुष मंत्रालय एक साथ काम करने वाले हैं ताकि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बूस्ट किया जा सके, ताकि इससे जो आयुष के एक्सपोर्ट्स हैं ये आगे चल के बूस्ट हो सके और इनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो पूरी की पूरी आयुष सेक्टर जो है ये एक साथ मिलकर काम करने वाली है ताकि जो प्राइस और साथ ही साथ जो क्वालिटी के कॉम्पिटिटिवनेस है आयुष एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए उनको अचीव किया जा सके। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि
आयुष में मेंशन है, आयुष के सेक्टर्स में जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें जो है अप स्केल क्वालिटी मेंटेन करने की भी जरूरत है इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर इंडिया एंड अब्रोड, भारत की और साथ ही साथ बाकी विदेशों विदेश में जितने भी देश हैं उन सभी के जो ग्रोइंग डिमांड्स है उन सभी डिमांड्स को मीट करने के लिए जो ट्रेड एंड कॉमर्स आयुष सेक्टर में है उसको अपस्केल करने की जरूरत है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है एंड टू सर्व द लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु आर नाउ लुकिंग अप टू दीज सिस्टम्स फॉर मेंटेनिंग देयर हेल्थ। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा, कल भी मैंने एक नई बीमारी के बारे में बात किया था, म्यूकरमाइकोसिस, COVID-19, इसके अलावा कई सारी हमें डिसीजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप भारत के अलावा पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादातर जो लोग हैं उनको सर्व भी करना है और साथ ही लोग इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करें तो उनकी जो ग्रोइंग डिमांड्स है इंडिया में भी और अब्रोड में भी उसको फुलफिल करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आयुष सेक्टर को अपस्केल किया जाए, उसकी क्वालिटी को भी टाइम के साथ साथ अब इंप्रूव किया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्पर्ट है एक्सपोर्ट का आयुष के प्रोडक्ट्स का वो रीसेंट मंथ्स में उस पे काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है, उनकी जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो देखने को मिली है काफी सारी कंट्रीज में, ठीक है। स्पर्ट का यहाँ पे मतलब होता है स्पीड के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं आयुष के प्रोडक्ट्स, रीसेंट मंथ में ये काफी ज्यादा देखने को मिला है कि आयुष मंत्रालय के जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो काफी इनको पॉपुलैरिटी मिली है कई देशों में। इसके अलावा द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एचएस कोड रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट विल कंसीडर ऑन द प्रायोरिटी एज अ स्टेप टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जो एचएस कोड्स है इन सभी मेडिसिनल चीजों से रिलेटेड, इन सभी मेडिसिनल जो विकल्प अवेलेबल है इन सभी चीजों से रिलेटेड जो स्टैंडर्डाइजेशन कोड्स अवेलेबल है उनकी भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है चीजों को कंसीडर करने के लिए ताकि ये जो एक्सपोर्ट है इनको मेंटेन किया जा सके और इनको बढ़ाया जा सके वक्त के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में सामने आए थे जो उन्होंने कंडक्ट किया था इस चीज को लॉन्च करने से पहले, ठीक है। सो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री विल वर्क टुगेदर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को शॉर्ट में AEPC जो है कहा गया है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, एब्रीविएशन हमेशा ध्यान देके चलिए क्योंकि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एब्रीविएशन पे फोकस करिए। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है एक साथ काम करने वाले हैं। ये जो प्रपोजल है AEPC का उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है देखा जाएगा, उसके बारे में सोचा विचारा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल वर्क इन कोलैबोरेशन विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड टू डेवलप द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सर्विसेज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के साथ मिलकर काम करने वाला है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके, जितने भी आयुष के प्रोडक्ट्स हैं उसके सर्विसेज हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष BIS के साथ मिलकर AEPC के ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे गाइस अगला पॉइंट क्या है इसको भी एक बार देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द आयुष इंडस्ट्री विल आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस द सक्सेस स्टोरीज एंड प्रमोट देम अमंग्स द पब्लिक, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो आयुष इंडस्ट्री है ये कई सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज को आगे ला रहे हैं ताकि लोगों के बीच इसको प्रमोट किया जा सके। आयुष इंडस्ट्री विल वर्क ऑन एंश्योरिंग क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द आयुष प्रोडक्ट्स as well as to become the price competitive, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय और आयुष इंडस्ट्री जो है वो इसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम कर ही रही है, साथ साथ आयुष के प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ाने की काम कर रही है और इसके साथ साथ जो प्राइस का कॉम्पिटिशन लेवल है मार्केट में उसके साथ भी ये डील करने की कोशिश कर रही है। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ लेके चल रही है ताकि इसको आने वाले समय में जो ग्रोइंग डिमांड है लोगों की वो फुलफिल किया जा सके और साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाया जा सके, डेवलप किया जा सके, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। सो आयुष विल फिगर
इन द ब्रांड इंडिया इनिशिएटिव एज वेल। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड AIIMS have decided to initiate working on setting up a demand of integrative medicine at AIIMS, ठीक है? So, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और एम्स है, इसने डिसाइड किया है कि एक जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एम्स पे सेट किया जाना चाहिए, ये भी जल्दी से जल्दी सेट किया जाए। और इन दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसने मिलके ये डिसाइड किया है कि एक डिपार्टमेंट इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जो है एम्स पे सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी काफी ज्यादा प्रमोशन मिलेगी आयुष के प्रोडक्ट्स को, आयुष के जो स्टैंडर्ड्स है, उसकी जो क्वालिटी है, इससे भी बहुत ज्यादा लोगों तक इसकी जो सर्विस है वो पहुंच पाएगी और साथ ही लोग इसके बारे में जागरूक भी हो पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई और आपको समझ में आया आयुष मंत्रालय ने ये जो आयुष प्रमोशन काउंसिल है, इसको मेन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसको मेनली किस कारण से जो है इनिशिएट किया है और कौन कौन सी चीजें इसमें करने वाले हैं। ठीक है, सो ये PIB का एक छोटा सा सेगमेंट था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। गाइस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने, ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर शाम को आप लोगों के लिए मैं 6 बजे क्लास लगाती हूँ, कोई इमरजेंसी हो, कोई मीटिंग हो, तो इन दैट केस आई एम सॉरी अगर आपको कोई कन्वीनियंस होती है। मैंने जो है कल वाली क्लास कैंसिल कर दी थी गाइस, बिकॉज मेरी मीटिंग थी। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, डेली शाम को मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो टाइम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका टारगेट है 2021-22-23, तो आप लोग हमें प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप अपना गोल जो है वो रीच कर सको और साथ ही आपको ये पता चल सके कि व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप चाहे तो मुझे यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस रेफरल कोड को याद रखिएगा, इस कोड को यूज करके आपको सारे कोर्सेज के लिए 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ में जो स्पेशल क्लासेस हैं उसके लिए भी आप इस कोड को यूज करके स्पेशल क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और साथ ही साथ आपको मैं याद दिला दूं कि आज दोपहर 1 बजे भी हमारी सेशन है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। फिर से मिलते हैं दोपहर 1 बजे की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।